हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले फिल्म गद्दर 2 की, जिसमें हमें अमरीश पुरी भी दिखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म के एक सीन में तारा सिंह यानी कि सनी देओल अपने बेटे को बचाने के लिए हिंदुस्तान को भी मुर्दाबाद बोलने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या वाकई में सनी देओल इस फिल्म में मुर्दाबाद बोलेगा हिंदुस्तान को? दोस्तों, जब 2001 में गद्दर फिल्म आई थी तो गद्दर मचा दी थी बॉक्स ऑफिस में भी, और अब गद्दर 2 जब 11 अगस्त को आई है तो अब लग रहा है कि उसका भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, यानी गद्दर का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी ये। ऐसे इस फिल्म में आपको अमरीश पुरी भी कैमियो करते हुए नजर आएंगे, भले वो चले गए फिर भी इस फिल्म में आपको नजर ही आ जाएंगे। इस फिल्म में हमें गद्दर की आगे कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक नॉर्मल फैमिली को दिखाया गया है, जैसा कि कड़क पिता, लाडला बेटा और एक ममता से भरी हुई माँ। अब तारा सिंह मिलिट्री वालों के साथ भी काम करते हैं, कभी वार पर ट्रक की जरूरत पड़ती है तो वो वहाँ भी पहुँच जाते हैं ट्रक ले। ऐसे ही एक दिन मिलिट्री वालों के हेल्प करने के लिए तारा सिंह बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं और वार करते करते पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार पहुँच जाते हैं। वार खत्म होने के बाद पता चलता है कुछ ट्रक ड्राइवर और मिलिट्री वाले पाकिस्तान के गिरफ्त में, जिसमें से एक तारा सिंह भी है। ये जानकर उसका बेटा अपने पिता को लाने के लिए पाकिस्तान पहुँच जाता है डुप्लीकेट पासपोर्ट के साथ। तो क्या इस बार बेटा बाप को पाकिस्तान से लाएगा या खुद ही फंस जाएगा, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। भाई जब हैंडपंप वाला सीन आता है तो देखते एकदम मजा ही आ जाता है। जब पाकिस्तान आर्मी तारा सिंह का बेटा को मारता है तब तारा सिंह जो थोड़ा सा उसका हाल करता है ना, वो देख के तो एकदम अलग ही लेवल का है। इसमें आपको वही पुराना तारा सिंह देखने को मिलेगा जो चीज़ों को उखाड़ उखाड़ के लोगों को मारता है। इस फिल्म में मात्र एक ही गाना यूज किया गया, जिसे भी उत्कर्ष शर्मा के ऊपर फिल्माया गया है, बाकी पुराने ही गाने यूज किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप भी जाइए और देखिएगा।